भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है, सारा का सारा हमारा है। कहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एक साल हो गया है जो दीवार थी जो बांटने वाली, जो दीवार थी हिंदुस्तान और जो जम्मू कश्मीर को लोगों ने बैठी, वो नफरत की दीवार रह गई है। ये अलग बात है, कुछ ताकतों को इससे बड़ा दुख पहुंचा है क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स हमेशा इसी पे चली, धारा 370 लिखी, यहां तक कि वो कहते हैं कि अगर इसको हटाया गया तो हाथ का पूरा जश्न जल जाएगा और देश का तिरंगा लहराने वाला कोई नहीं। आप देखिए यहां सैकड़ों लोग देश का तिरंगा लहराने के लिए कितने जोश में है। लेकिन आज इसलिए हम खुशी मना रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो पहले से ही स्लोगन रहा, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, एक विधान, एक प्रधान और एक निशान, आज इसलिए हम खुशी मना रहे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया का वो सपना पूरा है जब उन्होंने कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत। आज इसलिए हम खुशी मना रही है क्योंकि मिलिटेंसी का अंत हो रहा है और जो अलगावाद की तरफ लोग थे वो आहिस्ता आहिस्ता रिजाइन कर रहे हैं, और इसलिए खुशी मना रहे हैं। कश्मीर अमन की तरह लौट रहा है, अब यहां अमन वापस आ रहा है और लोग यहां अमन से अब रह रहे हैं। अब अल्ताफ साहब, पोलिटिकल पार्टीज वही पोलिटिकल पार्टीज है, अगर आपको याद होगा तजुर्बे के तौर पर जब 5 अगस्त को इनका बांध बंद किया गया तो कहीं एक सिंगल पत्थर नहीं चली है, इसलिए इनकी प्लानिंग गवर्नमेंट को लगा होगा, अप्रिहेंसिव होगी कि कहीं अमन अमान के लिए थ्रेट ना हो और ये ऐसी न करें जिससे यहां अमन बिगड़ने का खतरा है। और ये इन लोगों ने जो जिन लोगों ने यहां ब्लैक डे और ब्लैक झंडे उठाने की बात की, उन लोगों को ये बात समझ नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ब्लैक झंडा आईएसआईएस का, कहीं वो अनजाने में आईएसआईएस का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल 370 का और 35A का हटना कश्मीर के, ये एक ऐतिहासिक डिसीजन लिया गया और इससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ है, उसमें बहुत ज्यादा आगे अपॉर्चुनिटीज हम लोगों को मिल गई हैं, जैसे कि IIM, ITI और जो हमारे एम्स हैं वो भी हमारे जम्मू कश्मीर को दिए गए हैं और आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे तरह से ये काम होगा और डेवलपमेंट के काम जो है जैसे कि पंचायत के थ्रू, डीसी के थ्रू चल रहे हैं, 14FC में भी चल रहा है और नरेगा में भी चल रहा है, तो हम ये मानते हैं कि डेवलपमेंट के काम बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ गए हैं। अभी जैसे कि फिलहाल जो हमने देखा कि यहाँ पर रेलवे और हाईवे का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है और आने वाले टाइम में जो कश्मीर को नई सौगात मिलेगी वो है कि रेलवे का जो पुल बन रहा है वो बहुत ही हाई लेवल पर है और उसका जैसे कि पेरिस में बताते हैं कि पेरिस की जो आईफिल टावर है उससे भी ज़्यादा है, जिसकी समुद्री तल से ऊंचाई 359 के आसपास उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो ये हमारे कश्मीर को बहुत अच्छी सौगात मिलने वाली है आने वाले टाइम में और हमारे डेवलपमेंट वर्क जो है वो उठ रहे हैं और होते रहेंगे।